एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हेलो ऑडियंस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर अप टू योर बेस्ट हेल्थ। तो लीजिए आगे आपके अपने एक्टोमेशन चैनल की न्यूज कैप्सूल का एपिसोड नंबर 3। लेकिन दोस्तों, उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजा के ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके जैसे ही हम एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, कोरोना से जुड़ी एक और खुशखबरी सामने आ रही है। देश में कोरोना के मामले दिन ब दिन घटते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,68,147 मामले सामने आए और कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या है 3,417। और दोस्तों, कोरोना से ही जुड़ी एक और खुशखबरी आपको दे दूं, सरकार ने आज लॉन्च कर दिया है COVID-19 के सरकारी टीकाकरण केंद्रों को बताने वाला व्हाट्सएप चैटबॉट। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और देश के भारी संकट के बीच महिंद्रा ने महाराष्ट्र में लॉन्च कर दी है अपनी एक नई सेवा जिसका नाम है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। इससे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को कैरी किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि समस्या ऑक्सीजन की नहीं है हमारे देश में, उसके परिवहन की है। वैसे दोस्तों, कैसा लग रहा है हमारा ये न्यूज़ कैप्सूल का सीरीज, नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये न्यूज़ दोस्तों अच्छी लग रही है ना, यस, स्मैश दैट लाइक बटन और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, COVID-19 की महामारी के चलते US अपनी भारत की फ्लाइट्स पर 4 मई से रोक लगाएगा। दोस्तों, COVID-19 के बढ़ते कहर के बीच पंजाब सरकार ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया है। 15 मई तक पंजाब सरकार ने और ही सख्ती बरत दी है अपने राज्य में, और जिसके चलते एक कार में केवल एक ही लोगों को अलाउड होगा जाना। दोस्तों, अब जो अगली खबर आ रही है ये आपको थोड़ा गुस्सा दिला सकती है। चीन का पता नहीं क्या हास्य चल रहे हैं। उसने पहले तो भारत के मजाक उड़ाने वाला पोस्ट किया, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया, और वहीं दूसरी तरफ वुहान में म्यूजिक फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में वहां पे 11,000 लोग शामिल हुए। देखिए, उसी जगह पे जहां से COVID-19 की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं, अमेरिका की एयरोस्पेस कंपनी स्ट्रैटोलॉन्च ने मोहावे रेगिस्तान के अंदर अपने सबसे बड़े प्लेन की 3 घंटे की टेस्ट फ्लाइट पूरी कर ली है। ये फ्लाइट के पंख 385 फीट के हैं और ये इसकी लंबाई जो है ये फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा अधिक है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बंगाल चुनावों की। कल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन में TMC ने अपनी जीत हासिल करते हुए ममता बनर्जी की सरकार बनाई। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने भी अपने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। दोस्तों, यूपी में लगा कोरोना कर्फ्यू 3 मई तक खत्म होना था, लेकिन अब इसको 2 दिन और बढ़ाकर 6 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। यानी पाबंदियां जो है वो 6 मई सुबह 7 बजे तक रहेंगी। दुनिया के 8वें सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट ने यह कह दिया है कि उन्होंने एप्पल के शेयर्स को बेचकर सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मैनेजर्स में से एक बताया। दोस्तों, कल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने पर PM मोदी ने उनकी ममता दीदी को बधाई दी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं IPL की तरफ। IPL के कल डबल हेडर मैचेस में से पहला मैच था राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, जिसमें राजस्थान ने 220 रन का टारगेट दिया सनराइजर्स हैदराबाद को, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद उसे चेज करने में नाकाम रही। उसने सिर्फ 165 रन ही मार पाए। और दोस्तों, दूसरा मैच रहा पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जिसमें से पंजाब किंग्स मयंक अग्रवाल की 99 रन की पारी के बावजूद भी 7 विकेट से हार गई। दोस्तों, अब वक्त है एक रोचक खबर का। आपको बता दूं, पेंसिल जितनी ऊंचाई वाला माउस ईयर सामने आया UK के एक चिड़ियाघर में। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी खबर की तरफ। HSBC के मैनेजर ने अपना एक वायरल पोस्ट सामने आने पर कहा, अब मैं अपना पूरा दिन जूम पर नहीं बिताऊंगा, जिसके कारण उनको हार्ट अटैक झेलना पड़ा। चलिए दोस्तों, खबरें होती हैं खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिएगा। और दोस्तों, बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।